कैंपटी फॉल से देहरादून आ रही पर्यटकों की बस अनियंत्रित होकर कार से टकरा गई, जिससे पर्यटकों की कार क्षतिग्रस्त हो गई। बस कार से नहीं टकराती तो उसके खाई में गिरने का अंदेशा था। लाइब्रेरी चौक पर ढाल पर उतरते ही पर्यटकों की बस के ब्रेक फेल हो गए और वो आगे की ओर जा रही पर्यटकों की कार से टकरा गई। बस वहीं पर रुक गई, अन्यथा कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। बस ना रुकने की स्थिति में खाई में भी गिर सकती थी। पंजाब से आए पर्यटक रजनीश कुमार ने बताया कि वो मसूरी घूमने आए थे और लाइब्रेरी चौक के पास अचानक पीछे से आ रही बस उनकी कार से टकरा गई। हालांकि किसी को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन कार क्षतिग्रस्त हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि यदि बस उनकी कार से नहीं टकराती तो आगे जाकर खाई में गिर सकती थी। घटनाक्रम क्या, मेरी गाड़ी ट्रैफिक में खड़ी हुई थी, ऊपर से एक बस आ रही थी, उसका कंट्रोल हो गया और सीधी मेरी गाड़ी से टकरा गई। हम 3 लोग थे, फैमिली मेंबर, एक माई डॉटर और माई वाइफ। नहीं, कोई भी नुकसान नहीं है, किसी को भी कुछ भी चोट नहीं है, बट लेकिन गाड़ी डैमेज पूरी है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।